अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही सेंटिमेंटल सा। वो इसलिए कि आप किसी को भी पूछ लें, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द, आप उसे पूछें कि आपकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम कौन सा था। वो पता क्या कहेगा? वो कहेगा कि मेरे कॉलेज का टाइम बहुत अच्छा था, मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरे कॉलेज का ज़माना। क्योंकि आपका इतना अच्छा बॉन्ड होता है अपने कॉलेज के साथ, आप इंजॉय करते हैं, अपनी फ्रेंड्स होती हैं, उठना बैठना हल्ला गुल्ला मौज मस्ती, और ना कोई टेंशन ना कोई फिक्र फाका, ऐश कर काका बस। और पता है तब ऐसा लग रहा होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में कि जी इतनी टेंशन हैं, पढ़ाई की टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन, और जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो भाई पता चलता है वो टेंशन तो कुछ थी ही नहीं, वो तो बस इंजॉय करने के दिन थे जिनको हम टेंशन समझ के बैठे हुए थे। तो जनाब, मैं भी आज जा रही हूँ अपने कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन इसका नाम था पहले, अब तो खैर माशाल्लाह जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी बन चुकी है फैसलाबाद की। फैसलाबाद में जो लोग रहते हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, और बाहर के बहुत सारे लोगों को भी पता होगा, दूसरे सिटीज़ के भी, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी बहुत सारे मतलब दूसरे शहरों से भी ना बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती थी। तो ये एक प्रोसीजर हो रहा है, जैसे वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं कौन आया कौन गया। मैं एंट्री करवा रही थी, तो जनाब मैं आपको बता रही थी कि 6 साल बाद मैं अपने कॉलेज आ रही हूँ, और मैं इतनी यूनिवर्सिटी है, मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। सुबह उठते ही मेरे ज़हन में वो सारी एक मेरी जो गुजरी हुई यादें हैं ना, वो एक फ़िल्म की तरह चल रही थी कि ऐसे करते थे वैसे करते थे, कपड़े प्रेस करने से लेकर पानी की बोतल भरने तक पता नहीं क्या क्या मेरे माइंड में चल रहा था। और अभी भी मैं अकेले चल रही थी ना, तो मुझे अपनी सारी दोस्तें याद आ रही थी कि कैसे हम यहाँ पे भागते थे, कैसे हम लोग अपना बैग उठाया हुआ होता था और कभी इधर कभी उधर, क्लास के बाद जब फ्री हो जाते थे तो हम ऐसे ही घूमते फिरते थे। कॉलेज के साथ मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। 6 साल बाद आज मैं इसलिए आई क्योंकि मतलब मैंने बीएस ऑनर्स यहाँ से किया था, फिर मैं जॉब करने लग गई, फिर मेरे एक्सीडेंट हो गया, उसमें साल गुजर गया, फिर शादी हो गई, तो अब पीपीएससी की सीट्स आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अप्लाई करते हैं, बच्ची भी थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, तो चलो क्यों ना मतलब कुछ लाइफ के साथ अच्छा किया जाए। तो मैंने सोचा जाके अपनी डिग्री ले आती हूँ। तो ये मेरा डिपार्टमेंट है, इतनी यादें, मतलब पूरी मेरी लाइफ जो है ना वो एक फ़िल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चल रही थी गुजरी हुई। ये यहाँ पर इन ग्राउंड्स में बैठ के मैं रट्टा लगाया करती थी। बाय द वे मैं टॉपर हूँ माशाल्लाह से अपने जो है बैच की, 2012 से 2016 की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खैर, तो ये मैं जा रही थी, मैंने सोचा कि सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका था। रश इसलिए नहीं है क्योंकि अभी वो एडमिशन्स वगैरह चल रहे हैं, ये साइंस आर्ट्स के बच्चों ने बहुत खूबसूरत उन्होंने मास्टरपीस बनाए हुए बहुत ज़बरदस्त, तो यहाँ पे मैं एक एक जगह पे देख सकती हूँ, एक एक जगह पे अपनी दोस्तों को इमेजिन कर सकती हूँ, पता नहीं वो इस टाइम कहाँ हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त, मैं अपने वो जा रही थी HOD जो है ना, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है वहाँ उस तरफ जा रही थी, तो मुझे रास्ते में नज़र आया, तो मैंने कहा मैं कैप्चर कर लेती हूँ, तो मैंने कहा वहाँ से जाके सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तक मुझे कोई शनासा चेहरा नज़र नहीं आया था, कोई मुझे ऐसा नहीं मिला था जिसको मैं जानती हूँ, बस मुझे पता चल गया था कि डॉक्टर समीना ताहिरा अभी भी हैं, हमारी HOD हैं, अब माशाल्लाह वो डीन बन चुकी हैं, वो बहुत अच्छी इंसान है। अगर मैं उनको बताती ना कि मैंने वीडियो बनानी है तो वो मुझे कभी भी मना नहीं करती, लेकिन मैंने मुनासिब ही नहीं समझा, तो मैं यहाँ पर बाहर वेट कर रही थी, मैंने अंदर बता दिया था कि प्लीज़ बता दें कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, फिर उन्होंने मुझे बुला लिया। इतना अच्छा उन्होंने मुझे मतलब बहुत अच्छा मेरे साथ बिहेव किया, और फिर मुझे अपने मेन ऑफिस ले गई कि मैं डीन बन गई हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ से मुझे पता चला कि मेरी GC यूनिवर्सिटी सॉरी मुझे वो नहीं मिलेगी डिग्री, क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे थे ना तो हमारी जो एफिलिएशन थी वो GC यूनिवर्सिटी के साथ थी, तब वो ये कॉलेज था ना, तो अब तो खैर इंडिपेंडेंटली ये वुमेन यूनिवर्सिटी बन चुका है, लेकिन तब ये कॉलेज हुआ करता था, तो इसलिए अब आपको ये जो है डिग्री वो मिलेगी आपकी यूनिवर्सिटी से, GC यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से। मैंने कहा फिर किस दिन और प्लान करके ना तो मैं चली जाऊँगी फिर। तो फिर जनाब ये वुमेन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अलाउ नहीं करते को एजुकेशन को, तो फिर इस वजह से ये बेस्ट है क्योंकि वुमेन यूनिवर्सिटी है और आंखें बंद करके ट्रस्ट किया जाता है इसके ऊपर। हमारी अम्मियाँ भी यहाँ से ग्रेजुएट हैं, हम भी हो रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी आने वाली बच्चियाँ भी इधर से ही होंगी, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो बस एक अजीब सी खुशी वाली और गम वाली और पता नहीं अजीब सी कैफियत के साथ मैं चल पड़ी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो कॉलेज की तो नहीं है, तो वो मेरा वेट कर रही थी निशात पे सेल लगी हुई थी 25% ऑफ, तो मैं उसको बस कह रही थी मैं अभी आई, लेकिन HOD के साथ बातों में ना मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, तो मैं पहुँच चुकी थी कोहिनूर।
तो यहाँ पे ना मैंने सोचा कुछ देख लेते हैं, कुछ ख़रीद लेते हैं कि क्या क्या नया आया है। अब तो खैर सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा। मैंने दो तीन चीज़ें जो मैंने पसंद की थी निशात पे, तो उस पे भाई वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो ये टू पीसेस थे बहुत खूबसूरत, अब 25% ऑफ़ के बाद। अच्छा निशात की ये बात है कि 20% या 10% ऑफ भी होना तब भी सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। इनका इतना अच्छा फैब्रिक है और बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है, तो जारी बात है इसलिए आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि 4 या 5 साल पुराना सूट भी है ना आपका, तो आप उसको प्रेस करो और एज़ इट इज़ न्यू। ये ग्रे अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत, ऊपर ब्लैक एंड वाइट, और ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। अच्छा ये हमने लिया है थोड़ा सा, हमने वो कह लें कि लॉन्ग फ्रॉक्स इसको बनाने के लिए, ये हमने आई थिंक 4-4.5 मीटर ये कपड़ा लिया, ये वाला। इसके आगे मैं आपको और भी दिखाती हूँ, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत है। तो ये मुझे दिखा रही थी कि इस तरह की लॉन्ग फ्रॉक बनाएंगे, मैंने कहा चलो सही है। तो आज मुझे अपनी दोस्तों की बहुत याद आई है, और अगर ये मेरी वीडियो कभी उन तक पहुँचे तो मेरा उनके लिए पैगाम है कि मैं तुम लोगों को बहुत याद करती हूँ। मुझे कमेंट ही कर दें, मुझसे किसी तरह कांटेक्ट कर लें, मैं आप लोगों को बहुत याद करती हूँ। एक कॉलेज फ्रेंड के साथ मेरा कांटेक्ट है, उसका बाकी किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है, लेकिन उसकी भी शादी नहीं हुई तो वो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतना वाकिफ़ नहीं है। तो कभी उससे भी कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट है सिर्फ फ़ोन पे। तो मैंने उसे कहा था, मैंने कहा आ जाओ मैं आ रही हूँ, तो कह रही मैं बैंक हूँ अगर फ्री होगी तो मैं आ जाऊँगी, लेकिन वो नहीं आई। तो खैर वो जो ब्लू और लाइट ब्लू डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन था ना, वो एक शर्ट ली, यहाँ से हम प्रेट देख रहे थे कि अब क्या देखें। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं बाहर फिर रही हूँ, मतलब फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रही हूँ। मतलब बाहर इतने अरसे बाद निकलना, उसकी फील ही और होती है। बच्चे मैंने उसकी नानू लोगों के हवाले किए थे, मैंने कहा कि आप इनको संभालो मैं जा रही हूँ। तो यूनिवर्सिटी का तो काम हो गया था, लेकिन अगर शॉपिंग ना हो तो ये कैसे हो सकता है। अगर आप दोस्तों के साथ आए हो तो वो भी निशात पे सेल हो। अब निशात पे जो अच्छे अच्छे थे डिज़ाइन वो तो सेल आउट हो चुके थे, एम्ब्रॉयडर्ड में कुछ लेना नहीं चाह रही थी। ये मुझे अच्छा लगा था पिंक वाला, लेकिन ये ना पाउडर पिंक सा कलर था, लेकिन जब इसको करीब जाके देखा ना तो वो इतना अच्छा कलर लग नहीं रहा था। फिर इतनी ज़्यादा भूख लग गई, इतनी भूख लगी कि मैं उसे कहने लगी कि बाकी हम बाद में शॉपिंग करेंगे, ऐसे करते हैं कि पहले कुछ खा लेते हैं। तो फिर इसीलिए हम आगे फोक एंड नाइफ्स। बेटियाँ अभी मैं सुला के वॉइस ओवर कर रही थी, फिर भी उठ के बैठ गई है मैडम, वो बाहर मतलब शोर कर रही हैं, उसके लिए बहुत माजरत। तो जब यहाँ पे आए ना तो यहाँ पे भी सब कुछ बुक था, सही है। एक टेबल खाली था, वो भी भरा हुआ था इतना। हमने कहा इसको भाई साफ साफ कर दो, फिर साफ साफ करवा के हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मुझे कह रही थी कि ना मुझे एक, मुझे खुसे बहुत पसंद है, उसे भी बहुत पसंद है। मुझे कह रही थी एक जगह है खुसा महल है, वो उस रोड पे कौन से जहाँ पे बुझाल है ना उस साइड पे है, मुझे वो रोड का नाम भूल गया, सत्याना रोड, सॉरी ECS के पास, तो वहाँ पे चलते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे चले गए। ये सारा डी ग्राउंड है, यहाँ की ताबिश बिरयानी बहुत मशहूर है। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक अरसा हुआ मैंने नहीं खाई। तो ये सारे यहाँ पे खुसे थे, और मुझे यहाँ पे आके पहली दफ़ा पता चला कि खुसे तो इतने कंफर्टेबल होते हैं। मतलब मैंने पहले पहने जो होते हैं थोड़े से हार्ड वाले और ये वो, तो वो भी इतने कुछ सस्ते नहीं होते थे, 1200-1300 का आता था, लेकिन फिर भी ये बहुत मतलब कंफर्टेबल थे, इंतहाई कंफर्टेबल। तो ये मैं ट्राई करी थी, ये तिल्ले में था सारा, वो थोड़ा डिसेंट सा मतलब कचा रही थी, और मैं थोड़ा फंकी शंकी सा, क्योंकि मैं मैरिड हूँ ना तो मैं वो फंकी शंकी सा ढूँढ रही थी। तो ये मैंने उठा लिया, कहती ये तुम्हारे पास इस तरह के बहुत हैं, अब तुमने ये वाला नहीं लेना। लेकिन मैं इसको ट्राई करी थी, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, इसमें पाँव काफ़ी गोरे लग रहे थे, हालांकि है नहीं लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये मुझे। और ये बहुत कंफर्टेबल था, आई थिंक 2500 का था और बेहद कंफर्टेबल था। फिर इसने एक दो ट्राई किए और ये इसने भी दो ले लिए, मैंने भी दो ले लिए, और बहुत मज़े के थे। तो फिर जी यहाँ से हम लोगों ने लिए खुद से, जो कपड़े भी ले लिए थे खुद से भी ले लिए थे, लेकिन अभी चूँकि मतलब टाइम भी काफ़ी हो रहा था, घर भी जाना था, अम्मा की मुझे कॉल भी आ रही थी कि आयत रो रही है, ये जो मस्टर्ड वाला खुद सा था ना मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था, तो फिर ये इसी मेरी फ्रेंड ने ले लिया। तो फिर हम लोगों ने अपनी वापसी का रास्ता लिया। हाँ जी, तो ये तो था आज का व्लॉग खट्टी मीठी यादों के साथ, कॉलेज के ज़माने के साथ। तो अगर आपको भी अपने कॉलेज का ज़माना याद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन सी ऐसी बात है जो आज भी आपको तंग करती है और सताती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।